ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. दिस इज पार्ट एच ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3B. अगेन फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस. ओके, द गिवन एक्सप्रेशन इज एम स्क्वायर माइनस 20 एम माइनस 21. राइट, सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू सी द कोफिशियंट ऑफ एम स्क्वायर, दैट इज 1. फिर हमें देखना है कॉन्स्टेंट, दैट इज माइनस 21. नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई देम. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 21 इज माइनस 21. नाउ फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 21. 21 किस किस के टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है. 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21. इसके अलावा वो हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी के भी टेबल में नहीं आता. थिंक 7 के टेबल में भी आता है, लेकिन अगेन द सेम फैक्टर 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये दोनों सेम ही हो गए. इसके अलावा 21 जो है वो अपने टेबल में आता है. 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 21. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं 21 के. अब मुझे क्या करना है, सिंस द प्रोडक्ट इज माइनस और अ नेगेटिव प्रोडक्ट, इट्स अ माइन इट देयर इज अ माइनस साइन विद द प्रोडक्ट, सो वी हैव टू सबट्रैक्ट द फैक्टर्स. अगर माइनस साइन होगा आपके प्रोडक्ट के साथ तो आप अपने फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर प्लस साइन होगा आपके प्रोडक्ट के साथ तो आप अपने फैक्टर्स को ऐड कर रहे होंगे. ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करके और ऐड करके आपको देखना क्या होता है, आपको ये देखना होता है कि कौन से दो फैक्टर्स मुझे मेरी मिडिल टर्म प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, सो यहाँ पर क्योंकि मेरा प्रोडक्ट माइनस में है तो मैं अपने सारे के सारे फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके देखूंगी कि कौन से दो फैक्टर्स मुझे मेरी मिडिल टर्म दे देंगे. द मिडिल टर्म दैट आई हैव इज माइनस 20. राइट, तो मुझे ये देखना है कि 20 मुझे कौन से दो फैक्टर्स सब्ट्रैक्ट होकर दे सकता है. 3 माइनस 7 इज 4, 7 माइनस 3 4, 21 माइनस 1 20. इसका मतलब दीज आर द टू फैक्टर्स, 21 और 1, ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास 20 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैं 20 के साथ क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है तो मुझे ये देखना है कि इन दोनों फैक्टर्स में से मुझे किसके साथ माइनस साइन लगाना होगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी क्लियर कि इन दोनों नंबर्स में से किसी एक के साथ माइनस साइन लगेगा. ठीक है, माइनस प्लस ही माइनस होता है. कभी भी आपके पास दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस साइंस हो तो आप एडिशन की तरफ जाते हैं, सब्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाते. बट इफ़ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द टू फैक्टर्स, यू हैव टू राइट माइनस साइन विद ईच एनी ऑफ द फैक्टर्स. इनमें से कोई भी फैक्टर है उसके साथ माइनस साइन किसी एक के साथ लगाना ज़रूरी है ताकि ऑपोजिट साइंस हो जाएं और सब्ट्रैक्शन हो सके. ठीक है, तो माइनस 20 क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी कि अगर आपकी मिडिल टर्म के साथ माइनस साइन है तो वो साइन आपके बड़े वाले फैक्टर के साथ लगेगा. जो साइन आपके मिडिल टर्म के साथ होता है वो साइन आपके बड़े वाले फैक्टर के साथ लग जाएगा. अगर माइनस है इसके साथ तो माइनस लग जाएगा, अगर प्लस है मिडिल टर्म के साथ तो बड़े फैक्टर के साथ प्लस लग जाएगा और दूसरे वाले के साथ माइनस लग जाएगा. ठीक है, किसी एक के साथ माइनस लगाना ज़रूरी है. अगर मिडिल टर्म में माइनस साइन है तो वो माइनस साइन आपके बड़े वाले फैक्टर के साथ लग जाएगा. ठीक है, दिस इज़ प्लस 1. क्यों? क्योंकि अगर मैं माइनस 21 और प्लस 1 को सॉल्व करूँगी सो इट इज़ गोइंग टू गिव मी 20 विद अ माइनस साइन. इसका मतलब मुझे एग्जैक्टली मिडिल टर्म मेरे साइन के साथ मिल जाएगी अगर मैं बड़ी वाले फैक्टर के साथ मिडिल टर्म वाला साइन लगा दूँगी. ठीक है, सो आई विल गेट एग्जैक्टली द मिडिल टर्म विद द साइन. अब मुझे यहाँ से पता चल गया कि माइनस 20 की जगह, माइनस 20 एम की जगह जो दो वैल्यूज़ मैं लिख सकती हूँ, दैट इज़ माइनस 21 एम एंड प्लस 1 एम. 1m को मैं सिंपली 1m भी लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कोफिशियंट बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है. सो लेट्स राइट इट ओवर हियर. द गिवन एक्सप्रेशन वॉज m स्क्वायर माइनस 20m माइनस 21. अब इसकी जगह जो फैक्टर्स मैंने फाइंड आउट किए हैं वो क्या हैं, m स्क्वायर माइनस 21m प्लस m माइनस 21. नाउ वॉट यू हैव टू डू, ड्रॉ मेक द पेयरिंग ऑफ टू टू नंबर्स, दो दो नंबर्स की पेयरिंग बनाएं एंड फाइंड आउट द कॉमन वैल्यूज. एम स्क्वायर माइनस 21m में आपका m कॉमन है. ठीक है, अंदर आपके पास आ जाएगा m माइनस 21. देन यू हैव प्लस m माइनस 21 में आपके पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, जस्ट टेक आउट 1 कॉमन. 1 अगर किसी चीज़ से कॉमन आएगा तो अंदर की वैल्यूज एज इट इज़ रहती हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता. नाउ लुक एट दिस, आपके पास यहाँ पर ये दो ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम हो चुके हैं. ठीक है, m माइनस 21, m माइनस 21, तो मैं इन दोनों को कॉमन निकाल सकती हूँ और इनको एक ही बार लिख सकती हूँ, m माइनस 21. इसके अलावा जो वैल्यूज़ आपकी बाहर मौजूद हैं उन दोनों को कंबाइन करके आप एक
अलग ब्रैकेट में लिख दें जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ योर गिवन एक्सप्रेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर.